हाई एवरी वन दिस इज अन वेलकम टू पी एच डी एडमिशन आज के सेशन में मैंने अगेन इग्नो के 2018 के सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग इग्नो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2021 एंड 2022 मैं अपने चैनल पर रेगुलरली इग्नो के पी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूं इन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलता है क्योंकि आपका एक्चुअल एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन पर बेस्ड होता है इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश और हमने एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च करा है सो so हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारा रिसर्च मेथेडोलॉजी का कोर्स फॉलो करते हो सो so, आपकी प्रिपरेशन फोर टू फाइव डेज में ही कंप्लीट हो जाएगी जिससे कि आप आपका बचा हुआ टाइम सेक्शन बी और आपकी प्रिपरेशन में इंटरव्यू प्रिपरेशन में लगा सकते हो सो so, हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है याद रखिएगा आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करना है और मैसेज करने के विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में हम हाँ आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल So, हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स नोट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड हंड्रेड प्लस प्रैक्टिस एमसीक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश सो हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये कोर्स फॉलो करते हो सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो कि आपका सेक्शन ए होता है आप इजिली उस सेक्शन को क्लियर कर लोगे और हमारा जो ये स्टडी मटेरियल है ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के और पी एच डी एंट्रेंस एग्जाम में जैसे टाइप के आते हैं वो सारे हमने कवर करे हैं हमारे नोट्स में हमने जो पी एच डी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन उसको हमने हाईलाइट कर कर बताया हुआ है सो so, हमारे नोट्स और मोक्टिस को आप एक वीक में ही कम्प्लीट कर सकते हो और जो आपका बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी पर लगा सकते हो सो सेक्शन बी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टडी मटेरियल फॉलो करिए इन केस आपके पास सेक्शन बी के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं सो so, हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है एंड फी फॉर दर्स इज जस्ट फोर नाइनटी नाइन एंड लेट्स बिगिन विद

n for nominal or for ordinal i for interval and r for ratio नॉमिनल मेजरमेंट में आप क्या करते हो चीजों को थिंग्स को किसी भी ऑब्जेक्ट को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बेसिस पर डिवाइड कर लेते हो देन ऑर्डिनल स्केल क्या होता है ऑर्डिनल स्केल में आप नॉमिनल की तरह आप नॉमिनल का ही स्केल ऑफ मेजरमेंट के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेंगे मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उनको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड कर लोगे एज वेल एज आपके पास जो भी थिंग्स है जो भी ऑब्जेक्ट है उनको आप एक ऑर्डर दोगे देन इंटरवल में आप सेम ऑर्डिनल के ऑर्डिनलिक्स फाइंड करोगे बट इंटरवल में आपके पास जो भी नंबर्स है इंटरवल आप में, में, को को में आपका होता है बट रेशो में आपका जो जीरो होता है उसका तो कुछ ना कुछ मीनिंग होता है अब इस केस में हमें ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया रिस्पोंडेंट को उसमें पूछा गया मेल है या फिर फीमेल है मेल और फीमेल बस आपको इतना ही पूछ रहा है मतलब यहाँ पर जो मेल है फीमेल है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर पूछ रहे हैं आप मेल हो या फिर फीमेल हो तो so कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जो चीजों को और जो ऑब्जेक्ट को किसी भी थिंग्स को डिवाइड करा जाता है तो so वो आपका आता है नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑर्डिनल स्केल क्यों नहीं आएगा बिकॉज ऑर्डिनल स्केल जब होता अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मेल ज्यादा है फीमेल से मेल इज ग्रेटर देन फीमेल मेल इज लेस देन फीमेल तब उस केस में आपका जो आंसर होता है तो ऑर्डिनल होता है और इंटरवल और रेशो तो होगा ही नहीं बल्कि इंटरवल और रेशो में आपके पास जो भी डेटा होता है जनरली वो नंबर्स के फॉर्म में होता है सो so, इस केस में आपको जो क्वेश्चन गिवन है ये आपका नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का टाइप ऑफ स्केल में आ जाएगा सो नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का ये आपका एग्जाम्पल होगा आपसे बस यहाँ पर पूछ रहे हैं मेल और फीमेल को आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आप डिवाइड कर रहे हो उनसे पूछ रहे हो सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा नॉमिनल नेक्स्ट फॉलोइंग रिप्रेजेंट हाईलीगेटिव कोरिलेशन इस क्वेश्चन में find out करना है कि कौन सा ऑप्शन के बीच में हाईली नेगेटिव कोरिलेशन है अब नेगेटिव को रिलेशन क्या होता है आपको यह पता होना चाहिए रिमेंबर मैंने आपको पिछले कई वीडियो में ये भी वीडियोज में बताया है कि को रिलेशनल रिसर्च में एक को जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन को आपके कोरिलेशनल रिसर्च में होता है जिससे हम कहते हैं है। अगर आपके काल्पियंट की वैल्यू माइनस वन है मतलब कोरिलेशनल रिसर्च में आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हाईली नेगेटिव नेगेटिव कोरिलेशन होगा ओके और वो परफेक्टली परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड होंगे एक दूसरे से ओके परफेक्ट क्योंकि माइनस वन है इसलिए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा बिटवीन दी वेरिएबल्स। अगर आपके काल कोएफिशिएंट की वैल्यू प्लस वन है दैट मींस आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे ओके okay? आपको याद रखना है अगर आपका जो काल कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर जीरो होती है दैट मीनस देर इज No relation. आपके के बीच में में कोई relation नहीं होगा। अब इस हमें पूछ रहा है कि अगर कौन सी वैल्यू होगी जो कि आपके जो कोएफिशिएंट की कौन सी वैल्यू होंगी जो हाईली नेगेटिव कोरिलेशन बताती है बिटवीन वेरिएबल्स अब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू गिवन है जैसे जीरो तो होगा ही नहीं अगर जीरो होता तो कुछ ना कुछ रिलेशन नेगेटिव रिलेशन पूछ रहा है क्वेश्चन में, में तो जीरो तो होगा रिलेशन मतलब नहीं है जीरो पॉइंट वन कुछ यहाँ पर लाई करेगी और जीरो पॉइंट फाइव माइनस यहाँ पर लाइ करेगी सो माइनस वन से कौन सा पॉइंट और कौन सा नंबर नजदीक है माइनस जीरो पॉइंट नाइन तो अगर आपके

प्रॉब्लम पर आप रिसर्च कर रहे हो वो बताओगे तो so, आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इंट्रोडक्शन एंड स्टडी एरिया देन स्टेप में आप ये बताओगे कि आप वो जो प्रॉब्लम 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 है है उस को सॉल्व करने के लिए अब कुछ भी हो सकती जैसे कोई कोविड डिसीज हो गई कोई हाथ से रिलेटेड डिसीज हो गई कुछ भी कुछ भी टॉपिक हो सकता है आपके रिसर्च का ओके सो so, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कौन से मेथड्स और क्या क्या मटेरियल्स लगे हैं कौन से मटेरियल्स आपने यूज करे हैं कौन से मेथड्स यूज करे हैं

आपके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं आपके रिजल्ट के बेसिस पर आप ये बताओगे कि आगे उस टॉपिक पर कैसे रिसर्च करी जा सकती है क्या क्या स्कोप है उस पर्टिकुलर टॉपिक में और क्या रिसर्च करी जा सकती है आगे ये बताते हो एंड लास्ट आप रेफरेंसेस लिखते हो रेफरेंसेस क्या होता है आपने कहाँ से कौन कौन सी चीजें अगर आप आपके रिसर्च में कुछ चीजें किसी और रिसर्चर का इंफॉर्मेशन उनका कंटेंट यूज कर रहे हो तो आप उस रिसर्चर का और उस ऑथर का प्रॉपर नेम मैंशन करते हो सो रेफरेंसेज ये आपका फिफ्थ पर आ जाएगा सो so, इस तरीके से आप ऑर्डर फॉलो करेंगे फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन एंड स्टडी एरिया आएगा देन सेकंड मटेरियल्स एंड मेथड्स, देन थर्ड रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन देन फोर्थ फ्यूचर स्कोप ऑफ रिसर्च एंड लास्ट इज रेफरेंसेस। सो ये ऑर्डर हमें ऑप्शन बी में गिवेन है पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ एंड थर्ड एंड लास्ट इज फोर्थ नेक्स्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम दस गिवन बिलो इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट वन एंड लिस्ट टू की लिस्ट वन में हमें कुछ टर्म्स गिवन है और उन टर्म्स के हमें करेक्ट डेफिनेशन और मीनिंग फाइंड आउट करना है अब लिस्ट वन में आपको पॉइंट ए गिवेन है बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी बहुत सिंपल है बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ रेफरेंस आप किसी भी रिसर्चर का कंटेंट यूज कर रहे हो तो उसका प्रॉपर नेम मेंशन करते हो सो बिब्लियोग्राफी में आप क्या करते हो जो भी प्रीवियस पब्लिकेशंस होते हैं वहां से आप कंटेंट लेते हो सो so, बिब्लियोग्राफी का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा प्रीवियस पब्लिकेशन देन बिब्लियोग्राफी एंड पायलट प्रोजेक्ट ये हमारे लिए नोन टर्म्स है पहले तो हम इनका करेक्ट पॉइंट मैच कर लेंगे पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है ये पायलट स्टडी की तरह ही होता है जिसमें आप कोई किसी भी स्टडी को ट्राई करते हो जैसे कोई गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है तो उसका सक्सेसफुल रेट देखती है कि वो स्टडी फिजिबल है या फिर नहीं अगर वो प्रोग्राम फिजिबल है मतलब वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको लार्ज स्केल पर लॉन्च करेंगे तो पायलट प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं कोई भी स्टडी किसी भी प्रोग्राम के कोई भी स्टडी के को ट्रायल करके देखते हैं कि उसका सक्सेसफुल रेट क्या हो रहा है पायलट प्रोजेक्ट का आपका करेक्ट पॉइंट हो जाएगा पॉइंट फोर ट्रायल रन ऑफ द डिजाइन प्रोजेक्ट तो ये दोनों आपके हो गए ऑप्शन ए एंड डी का हमें पॉइंट ए एंड पॉइंट डी का हमें पता चल गया करेक्ट मीनिंग और डेफिनेशन क्या होगा देन हम पॉइंट बी देखेंगे सर्वे सर्वे क्या होता है ये आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है और सर्वे आप ज्यादातर जोग्राफिकल रिसर्च में यूज करते हो सो so, सर्वे में आप क्या करते हो आप किसी मैप और मैप के थ्रू और कोई पिक्चर्स के थ्रू आप कोई भी फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हो तो इसी तरीके से जोग्राफिकल रिसर्च में हम मैप्स और पिक्चर्स के थ्रू स्टडी करते हैं कोई भी लैंड के बारे में कोई भी फील्ड के बारे में कोई भी फील्ड एरिया के बारे में सो रिकॉ सर्वे जिसको आप उस पर्टिकुलर फील्ड को आप एग्जामिन करते हो सो रिकॉन्सेंस सर्वे को हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सो यहाँ पर बी का आपका पॉइंट वन करेक्ट हो जाएगा देन आपको सी पॉइंट गिवन है स्टडी एरिया स्टडी एरिया क्या होता है कि आपने आपके रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए कौन सा एरिया चूज करा है कौन सा आपने लोकेशन चूज करा है सो स्टडी एरिया का करेक्ट हो जाएगा पॉइंट प्रोजेक्ट लोकेशन सो स्टडी एरिया ये भी ज्यादातर जोग्राफिकल रिसर्च में और यू कैन से जियोलॉजिकल रिसर्च में यूज करा जाता है जैसे जियोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है जिसमें रॉक्स के बारे में स्टडी होती है अब मान लीजिए आपने किसी uh, एक अर्थ का पॉइंट चूज कर लिया एक एरिया चूज कर लिया आपने देखा कि वो उस रॉक के क्या प्रॉपर्टीज है उसमें कितने मिनरल्स है क्या उससे और मिल सकता है फिर नहीं तो आप यहाँ से कुछ उस पर्टिकुलर रॉक के बारे में अर्थ के बारे में आप स्टडी करोगे आपने आपका यहाँ पर एरिया चूज कर लिया मतलब आपने आपका प्रोजेक्ट लोकेशन चूज कर लिया सो so, ये सारे आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ये सारे आपके लिस्ट वन का करेक्ट पेयर हो जाएगा और ये सीक्वेंस हमें ऑप्शन थर्ड में गिवेन है पहले थर्ड आएगा आपका देन फोर्थ सेकेंड एंड लास्ट इज फोर्थ नेक्स्ट प्राइमरी डेटा इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है अब रिसर्च में दो टाइप का डेटा होता है आपका एक होता है प्राइमरी डेटा एंड एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा अब प्राइमरी डेटा क्या होता है प्राइमरी डेटा मतलब वो डेटा और वो इंफॉर्मेशन जो रिसर्च खुद जनरेट करते हैं रिसर्च और खुद जनरेट करते हैं अपनी रिसर्च में सो आपका हो जाएगा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होगा उससे आपका होगा कि आपका वो डेटा सेकेंडरी डेटा होगा सेकेंडरी डेटा जैसे कोई आर्टिकल्स में किसी पेपर में किसी जर्नल में जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन को अपने रिसर्च में यूज करते हैं और उस प्रॉपर उस ऑथर का और उस रिसर्चर का नेम मेंशन करेंगे सो सेकेंडरी डेटा बेसिकली क्या होता है आपका ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है आप उस ऑलरेडी पब्लिश डेटा को अपने रिसर्च में अगर यूज करोगे तो so वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा क्या होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं सो so, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा

देन ऑप्शन बी डेटा कलेक्टेड फ्रॉम फील्ड सर्वे सो यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट करा गया एक फील्ड सर्वे कर कर, एक सर्वे कराया होगा अपने जैसे क्वेश्चन के थ्रू और कुछ अपने सर्वे कराया होगा इंटरव्यू के थ्रू अपने कुछ सर्वे कराकर अपने डेटा को कलेक्ट करा है तो so, आपने रिसर्च ने यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट करा है खुद डेटा कलेक्ट करा है सर्वे करवाकर सो so, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी डेटा में सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा डेटा कलेक्टेड फ्रॉम फील्ड सर्वे नेक्स्ट उट करना है कि कौन सा ऑप्शनिटी सैम्पलिंग के अंडर आएगा अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए स्नोबल सैम्पलिंग ऑप्शन बी पर्प सैंपलिंग एंड ऑप्शन सी स्कोटा सैंपलिंग आपकी जो ये तीनों भी सैंपलिंग है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथर्ड में आएगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथर्ड में रिसर्च अपनी

पर्प के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट नहीं करते बल्कि रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे अब क्लस्टर सैम्पलिंग so, होता है आपके पास जो पॉपुलेशन होती है बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन होती है सो आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है so, होमोजीनियस पॉपुलेशन को आप ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो इस तरीके से और जो ग्रुप्स बन जाते हैं उनको आप कहते हो क्लस्टर क्लस्टर में आप कि आपने ये ग्रुप डिवाइड कर लिया इस ग्रुप को आपने डिवाइड कर लिया यहाँ पर एक ग्रुप बन गया फिर ये दूसरा ग्रुप बन गया आप उनके आ, सेम प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सारे लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर लेते हो तो यहाँ पर रिसर्च ने तीन तीन को ग्रुप बना लिया और उनको अपने जो पॉपुलेशन है उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जिनको हम कहते हैं क्लस्टर अब ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद रिसर्चर क्लस्टर सैंपलिंग में क्या करते हैं एज इट इज पूरे क्लस्टर को रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे मतलब यहां पर से ऐसा ग्रुप बना लिया यहाँ इसमें से सिर्फ एक मेंबर्स को सेलेक्ट कर लिया ऐसा नहीं करते रिसर्चर बल्कि एज इट इज पूरे ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे सो so, इस केस में रिसर्चर ने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट कर लिया और ये वाला ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया ये दोनों ग्रुप को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया और रिसर्चर का ये सैंपल बन गए और इस पर रिसर्च अपनी रिसर्च स्टडी परफॉर्म करेंगे इस पर रिसर्च अपनी स्टडी परफॉर्म करेंगे सो so, और क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है रिसर्च और होमोजेनस पॉपुलेशन में से ग्रुप्स में अपनी मेंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं जिनको हम क्लस्टर कहते हैं और जो ग्रुप बना लेते हैं जो क्लस्टर बना लेते हैं रिसर्चर रैंडमली उस ग्रुप को एज इट इज उस पूरे ग्रुप को रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं और वो आप रिसर्चर का सैंपल बन जाएगा उस पर रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करेंगे सो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंडर आपका आ जाएगा क्लस्टर so सैंपलिंग आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट सिलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स किए है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग द पॉपुलेशन एट रेगुलर इंटरवल्स तो सिस्टमैटिक में क्या होता है आप इंटरवल डिसाइड कर लेते हो आप आपके मान लो कोई पॉपुलेशन है पॉपुलेशन में से आप डिसाइड कर लो कि आपके पास बहुत लार्ज पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से मैं हर फिफ्थ पर्सन को सिलेक्ट कर लूंगा और वो मेरा सैंपल बन जाएगा सो so, यहाँ पर आप कोई इंटरवल डिसाइड कर लो कि इतने इतने नंबर्स के लोगों को इतने इतने नंबर्स पर जो भी मेम्बर्स आएंगे उनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो so, ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग में आता है और यहाँ पर आपको ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा

और उस ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उस ग्रुप से आप सैंपल सिलेक्ट कर लेते हो और उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो सो so, ये आपकी स्टैटिफाइड सैंपलिंग की डेफिनेशन हो गई सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी, भी करेक्ट है देन ऑप्शन सी द मेम्बर्स ऑफ पॉपुलेशन आर फेयरली होमोजीनियस वे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज यूज यस यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी ये कह रहा है हमें क्या? सिंपल रैंडम सैंपलिंग में आप जो पॉपुलेशन में से मेंबर्स सिलेक्ट करते हो तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी उस केस में होमोजीनियस होगी अगर आपके पॉपुलेशन होमोजीनियस होंगे तो आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड का यूज करते हो और रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो अगर आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होगी तो आप थर्टिफाइड का यूज करोगे सो so यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी करेक्ट है देन ऑप्शन डी सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज नॉट जस्ट लाइक ड्रॉइंग अ नंबर इन अ लॉटरी आपको याद रखना है ये ऑप्शन जो आपको गिवन है सैम्पलिंग से रिलेटेड ये इनकरेक्ट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में सिंपल रैंडम सैंपलिंग में आप लॉटरी मेथड की तरह पॉपुलेशन में से मेंबर्स को को कर लेते हो तो सिंपल रैंडम हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं तो लॉटरी मेथड क्यों कहते हैं जैसे आपने देखा होगा जब लॉटरी का टिकट लगता है लोगों को तो क्या कैसे करते हैं लॉटरी मेथड में एक लिस्ट होती है जिसमें मेंबर्स के नेम गिवन होते है उसमें आप रैंडमली किसी भी मेंबर्स को चूज कर लेते हैं और उनकी लॉटरी

तो आपके साइंटिफिक मेथड्स में आपके जो भी मेथड्स होंगे वो आपके ऑब्जर्वेशन आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो होने चाहिए सो इट शुड बी रिलाइज ऑन इम्पेरिकल एविडेंस ऑप्शन ए करेक्ट है देन ऑप्शन बी यूटिलाइज रिलेवेंट कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स मतलब आपके जो भी साइंटिफिक उसमें आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड होने चाहिए और मेथड जो आप यूज कर रहे हो वो साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड होने चाहिए so, पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है देन ऑप्शन सी कमिटेड टू कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब आपके जो साइंटिफिक मेथड है वो आपके ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करने चाहिए मतलब मान लो आपकी जो रिसर्च है उसका एम कुछ है उसके गोल कुछ है तो उसके बेसिस पर ही आपके, आपके जो साइंटिफिक मेथड्स है वो कंसिडर होना चाहिए आपके जो साइंटिफिक मेथड आप यूज करोगे आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव वो कंसिडर करने चाहिए पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिकॉज ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों भी आपके करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट SPSS is इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि SPSS का फुल फॉर्म क्या होगा so remember, SPSS का फुल सॉ वेरियस काइंड ऑफ रिसर्च और किसी कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए एस पी एस एस का यूज करते है और एसपीएसएस एक सॉफ्टवेयर और पैकेज होता है जो क्रिएट करा जाता है किसी मैनेजमेंट और सोशल साइंस डेटा को एनालिसिस करने के लिए So, फुलस so, यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज अनदर टर्म यूज फॉर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जो ट्रीटमेंट वर्ड है ये कौन से वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है हमें ये फाइंड आउट करना है तो so, ट्रीटमेंट जैसे मान लो और और रिसर्च अगेंस्ट ड्रग डेवलप करते हैं ड्रग डेवलप करते हैं तो, है. तो यहाँ पर डिसीज को ट्रीट कर रहा है ड्रग डेवलप कर रहा है उसके अगेंस्ट तो रिसर्चर यहाँ पर क्या करेंगे किन लोगों किसी लोगों को एक्चुअल ड्रग देकर देखेंगे और किसी लोगों को प्लेसिबो देंगे प्लेसिबो का मतलब है ड्रग नहीं देंगे वो कुछ और हो सकती है कुछ और गोली हो सकती है कुछ और टैबलेट हो सकती है सो so, यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे ड्रग ड्रग है ड्रुण का लेवल कम ज्यादा कर सकते हैं ये देखने के लिए वो ह्यूमन बॉडी पर कैसा अफेक्ट कर रहा है तो so, उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आप उसको मैन्यपुलेट कर सकते हो आप उसको चेंज कर सकते हो सो so, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हो सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को तो आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इन करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन से इंटरवीनिंग वेरिएबल इंटरविनिंग वेरिएबल क्या होता है जो तो आपको बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम ये देखते हैं ये so, किस वजह से हो रहा है बीच में क्या लिंक है इन दोनों के बीच में जो लिंक बनाता है उसे हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल सो इंटरवीनिंग वेरिएबल को आप इंटरवीनिंग वेरिएबल का अनदर नेम ट्रीटमेंट वेरिएबल ट्रीटमेंट नहीं है दैट्स व्हाई अगर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो हियर ट्रीटमेंट इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा एंड Thank you for watching this video. See you tomorrow.